नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान तेतरावां गांव निवासी पप्पू यादव के 19 वर्षीय पुत्र राम कुमार के रूप में हुई है। राम कुमार के भाई सुजीत कुमार ने बताया कि बीते एक माह से एक कट्ठा जमीन के लिए उनके पड़ोसियों के बीच विवाद चल रहा है। इसकी सूचना कई बार मानपुर थाना में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुजीत कुमार के मुताबिक मंगलवार को मालो यादव, धर्मवीर यादव, सुसुम यादव और मुन्ना यादव ने उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान राम कुमार जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उसे गोली लग गई। घायल राम कुमार को आनन फानन में सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मामले की सूचना मिलने पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में सदर डीएसपी ने बताया कि जख्मी की ओर से अभी तक आवेदन नहीं मिला है। पूर्व में पप्पू यादव के दिए गए आवेदन के आधार पर मानपुर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसमें रामेश्वर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है। मालो यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जल्द से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसका साला था मालो यादव, धर्मवीर यादव, सुसुम यादव, मुन्ना यादव, पिता यदु यादव, ये सब मिल करके डायरेक्ट फायरिंग करना चालू किया। कितने राउंड फायरिंग की? कितने राउंड की फायरिंग? करीब 50 राउंड हुआ होगा। अच्छा। सब लोग पिस्तौल हाथ, सबके हाथ में पिस्तौल था और गोली चलाने लगा। मेरा भाई भागने लगा, भागते भागते उसको गोड़ में लगा गोली से। अच्छा। ईटा पत्थर भी मेरे घर के ऊपर फेंका। मैं 10 दिन से थाने को सूचित कर रहा हूँ, वो बोलता है मामला होने दो उसके बाद फोन करो। मानपुर थाना हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं। कितने खेत को लेके विवाद? कितने? एक कट्ठा खेत है, उसी के लेके विवाद? उसी के लेके विवाद है। खेत मेरे नाम से है, लेकिन वो जबरदस्ती बोलता है मेरे नाम से। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? एक महीना हो गया सर। एक महीना चल। हाँ। क्या नाम हुआ जिनका गोली लगा? राम कुमार। आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार। कौन लगते हैं आप? मेरा भाई है।